हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नोकी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते कुछ हाइलाइट्स। यहाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले आपको कोरोना मामले में, जी हाँ दोस्तों, भारत में अभी तक आंकड़े कितने पहुंच चुके हैं, कितने लोगों की जाने जा चुकी हैं और कितने लोग अभी पिछले 24 घंटे में संक्रमित हो चुके हैं और पूरे देश में है, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से। अगली खबर में देखेंगे अनलॉक 2.0 की तैयारी है देश में। जी हाँ दोस्तों, हवाई सफर स्कूल मेट्रो पर रहेगा फोकस, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से। सीबीएसई में बेस्ट 3 का फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने एग्जाम्स में बेस्ट 5 का फॉर्मूला सुना था, लेकिन अब जो है सीबीएसई में बेस्ट 3 का फॉर्मूला लागू होने वाला, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से। महंगे पेट्रोल से जनता नाराज नहीं है, ऐसा कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का, जानेंगे तमाम खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और साथ ही दोस्तों बताएंगे आपको स्पेशल ट्रेनों की हो चुकी है शुरुआत काफी जगह। जी हाँ दोस्तों, लोकल ट्रेनों को भी चालू कर दिया गया है ताकि तमाम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, लेकिन एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों को बंद किया है, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अंत में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक नई योजना की घोषणा। जी हां दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपको मिलेंगे 2,000 रुपए घर बैठे आपके खातों में जब तक लॉकडाउन रहेगा। जी हां दोस्तों, देश के इस राज्य ने जो है लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया, जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कोरोना अपडेट्स को लेकर भारत में, दुनिया में। जी हां दोस्तों, कोरोना की महामारी दिन प्रतिदिन फैलती ही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत में ये आंकड़े लगभग 5 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मरने वालों की संख्या की बात करें तो 15,500 तक लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं इस भयंकर बीमारी से। बात करें पूरे देश में, जी हाँ दोस्तों, इसमें कोरोना की महामारी फैली हुई जिसकी वजह से काम धंधा सभी का ठप चल रहा है और पूरे देश में, जी हाँ दोस्तों, इसमें तेजी से जो है कोविड सेंटर बनाने की योजनाएं चल रही है। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है महंगे पेट्रोल से जनता नाराज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता के बोल बचन। बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमत पर विपक्ष जहां एक ओर सड़क पर आंदोलन कर रही है, वहीं एनडीए सरकार एक से तरफ जो है अपना बचाव कर रही है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी का मानना है कि जनता इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश नहीं है, क्योंकि यूपीए काल में दामों का बढ़ना घटना अब पेट्रोलियम कंपनियों के हाथ में है। सुशील मोदी के अनुसार लॉकडाउन के 82 दिनों तक तो पेट्रोलियम कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए, तो अब लॉकडाउन खुला है तो उन्हें बढ़ाने का अधिकार है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं किस प्रकार ये बोल बच्चन हो रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि लॉकडाउन के वजह से, लॉकडाउन में उन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाए नहीं, जब लॉकडाउन ही था पूरे देश में, जब डीजल पेट्रोल की खपत ही नहीं थी तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे कैसे, जबकि पूरी दुनिया में यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में दिन प्रतिदिन गिरावट आ देखने जा रही है। 40% की गिरावट हो चुकी है, जबकि हमारे पड़ोसी देश चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, ऐसे तमाम मुल्कों में पेट्रोल के दाम भारत से कई गुना कम है, उसके बावजूद भारत में जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता के बोल बचन कि पब्लिक में ऐसा कुछ भी आक्रोश नहीं है, वो खुश है बढ़ती कीमतों के साथ। तो चलते हैं अगली अपनी खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर है सीबीएसई में बेस्ट 3 का फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, कक्षा 10वीं और 12वीं के उन सभी छात्र छात्राओं जिन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं पूरी कर ली है, उनका रिजल्ट परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने परीक्षा में 3 से अधिक विषयों पर पेपर दिए हैं, उनमें से 3 विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विषयों में प्राप्त अंकों का औसत उन विषयों में दिया जाएगा जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है। जो केवल 3 विषयों की परीक्षाओं में उपस्थित हुए, उनमें से केवल सर्वश्रेष्ठ 2 में प्रदर्शन करने वाले विषयों में प्राप्त अंकों को उन विषयों के में प्रदान किया जाएगा जिनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई। यानी कि अब जो है 15 तक, जी हां दोस्तों, 15 अगस्त तक जो है रिजल्ट आ जाएगा तमाम जो है सीबीएसई बोर्ड के। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अनलॉक 2.0 की तैयारी कर रहा है देश। जी हां दोस्तों, हवाई सफर स्कूल मेट्रो पर रहेगा फोकस। बात करें हवाई यात्रा तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर निजी विमानों को संचालित करने का अनुमति देने पर चर्चा चल रही है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने भारत के वंदे मातरम मिशन पर आपत्ति जताई है, यूएई ने भी वंदे भारत मिशन पर ऐसी ही आपत्ति जताई है। यह आपत्ति एक तरफा उड़ानों को लेकर है, ऐसे में केंद्र सरकार अमेरिका, दुबई और अन्य खाड़ी देशों के लिए उड़ानें भरने की अनुमति दे सकती है। रोजगार को बढ़ावा, अनलॉक 2 में श्रम शक्ति के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य योजनाओं को भी घोषणा की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि अनलॉक 2 में कुटीर उद्योगों और स्थानीय श्रम शक्ति के रोजगार को प्रोत्साहित करने का ध्यान केंद्रित रहेगा। इस चरण में उद्योगों को आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों को स्थानीय स्तर पर श्रम बल देने की भी भर्ती की जा रही है। बात करें शिक्षण संस्थान की तो कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए सरकार अब सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का संकोच कर रही है। कर्नाटक को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने अपनी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनलॉक 1 के निर्देशानुसार राज्य के परामर्श से स्कूल और कॉलेजों पर निर्णय लिया जाना था। स्कूल कॉलेजों को राज्य के परामर्श पर खोला जाना था। राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का इस पर संस्थागत स्तर पर अभिभावकों और अन्य
हितधारकों के साथ परामर्श कर सकता है। फीडबैक के आधार पर जुलाई में फिर से शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, 1 जुलाई से खुलेंगे प्रदेश के लिए चार धाम। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के चार धाम 1 जुलाई से पूरे प्रदेश के लिए लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राज्य सरकार ने दूसरे चरण में 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए चार धाम यात्रा खोलने पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद चार धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष रसिव प्रसाद मगमगई ने यह जानकारी दी। 11 तारीख से चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले थे, लेकिन पहले चरण में 30 जून तक सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही दर्शन की अनुमति दी गई थी। अब सीएम ने अनुमति दे दी है केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए, रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ धाम में, चमोली गंगोत्री यमुनोत्री धाम में सिर्फ उत्तरकाशी के निवासी ही दर्शन कर सकते थे। चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष ममगई ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। करीब 10 मिनट की मुलाकात के बाद ममगई ने बताया कि सीएम ने 1 जुलाई से राज्य के यात्रियों के लिए चार धाम पर सहमति दे दी है, यानी कि जिनको भी चार धाम की यात्रा करनी है वो 1 जुलाई से ही यात्रा कर सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है रेल मंत्रालय से। रेल मंत्रालय ने 12 अगस्त तक के लिए सभी लोकल ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें या गांव जाने वाली जो भी लंबी दूरी की ट्रेनें थे उन्हें रद्द कर दी है। जी हां दोस्तों, यानी कि अब देश में फिर से एक बार लॉकडाउन का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि देश में तमाम हिस्सों से लोग जो है रिजर्वेशन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस जो है रुकने का नाम नहीं लेता, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला उठाया कि फिर से जो है लॉकडाउन को लगाया जाएगा, ताकि ट्रेनों के माध्यम से जो लोग यहां से वहां सफर कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके और ऐसे हालात में लोग अपने घरों में ही रहे, सुरक्षित रहे। इसलिए सरकार ने 12 अगस्त तक सभी ट्रेनों को बंद करने का फैसला किया है, लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि अगर आपको जरूरी है जाना कहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो आप श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का सहायता ले सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना अपना नाम, राज्य का नाम। अगर आपको जानना है कि आपके राज्य में या आपके शहर में कितनी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कितने बजे चलती हैं और कौन कौन से दिन चलती हैं, इन तमाम चीजों को जानेंगे हम विस्तार से। आपको कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से हम आपको उसका आंसर दे देंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, 3 मोर्चों पर जंग लड़ सकता है भारत। जी हां दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ युद्ध, अगर वास्तव में कभी ऐसा खौफनाक आशंका सच हो गई, भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ एक ही समय पर युद्ध लड़ना पड़े तो यह खराब स्थिति होगी, क्योंकि तब भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी जमीनी सरहद पर हर जगह नजर रखनी पड़ेगी और मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी। आकाश और समुद्र में भी दोहरे मोर्चे का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान, चीन हमेशा ही एक पलड़े में है, एक ही पाले में रहा करते हैं। पाकिस्तान हमेशा कूटनीतिक पर स्तर पर चीन का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन यह भी हकीकत है अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए, भारत को प्रभावशाली विदेश नीति और सतर्क कूटनीति के चलते कभी भी पाकिस्तान को चीन का सक्रिय साथ नहीं मिल सका। लेकिन यह पहला ऐसा मौका है जब चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान बिना किसी बात के भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। अगली खबर आ रही है नेपोटिज्म को लेकर, करण जौहर का मामी से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, सपोर्ट नहीं मिलने से थे नाराज। सुशांत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में एक नए सिरे से नेपोटिज्म पर बहस छिड़ गई है। इस मामले को लेकर आदित्य चोपड़ा की यशराज बैनर के अलावा करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन समेत कई स्टार्स लोगों के निशाने पर है। ऐसे समय में बॉलीवुड की बाकी बड़ी हस्तियों से सपोर्ट नहीं मिलने के कारण नाराज है करण जौहर। सुशांत के फैंस का आरोप है कि बॉलीवुड के बड़े बैनर्स भाई भतीजेवाद को बढ़ावा देते हैं, इसी वजह से सुशांत को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। सुशांत के निधन के बाद करण के साथ बॉलीवुड स्टार एक्टर सलमान खान, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई सितारे सुशांत के फैंस के निशाने पर हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले को लेकर बॉलीवुड के बड़े निर्माताओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद के आरोप में आहत होकर निर्माता करण जौहर ने मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मामी फिल्म फेस्टिवल की चेयरमैन और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने करण को इस्तीफा न देने के लिए मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। मामी के बोर्ड में विक्रमादित्य मोटवाने, सिद्धार्थ राय कपूर, दीपिका पादुकोण, जोया अख्तर और कबीर खान है। बोर्ड के ज्यादातर सदस्यों की बॉलीवुड में बड़ी पैठ है। ऐसे में करण ने मामी के निदेशक पद से इस्तीफा देने के बाद भाई भतीजावाद के विवाद में अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, बिजली बिल समस्या के लिए खास कैंप, ज्यादा बिल आने से लोगों को झटका। राज्य में बिजली बिल की समस्या के लिए ऊर्जा मंत्री ने लोगों को स्थानीय लोक प्रतिनिधि से संपर्क करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की शिकायत है कि उनकी खपत से ज्यादा का बिजली बिल भेजा जा रहा है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से बिजली के बिल का जो है रीडिंग नहीं लिया जा रहा है और मनमानी, जी हां दोस्तों, बिजली कंपनियां मनमानी अपने मन से कुछ भी रीडिंग लेकर जो है ठोक दे रही है और काफी ज्यादा हद तक जी हां लोग परेशान है इस मामले को लेकर, क्योंकि बिजली के बिल की कंपनियां लगातार बिजली का बिल बढ़ाते जा रही है और मनमानी जो है बिना रीडिंग के लिए
कुछ भी बिल भेज दे रही, जिसको लेके काफी जगह पे जो है आक्रोश देखने को मिला। फिर भी जो है सरकार इसके ऊपर चुप्पी साधी हुई है, चाहे वो पेट्रोल का दाम हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे देश में कोरोना की स्थिति हो, देश में सरकार कहीं पर भी जो है स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है। चाहे भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए युद्ध को लेकर, जी हां दोस्तों, जो है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि क्या वाकई चीनी सेना भारतीय जो है कब्जे को की है, भारतीय जमीन को कोई कब्जा की है, अगर है तो आप स्पष्ट जवाब दीजिए, पूरा भारत देश लड़ेगा, पूरी सेनाएं लड़ेंगी। लेकिन अभी भी सरकार ने इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। फिलहाल दोस्तों आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या वाकई में चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया है, या गलवान घाटी में हुआ विवाद इसी वजह से हुआ कि चीन ने जो है भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की, या फिर कोशिश किया जो है वो सफल हो चुका है। इन तमाम चीजों के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही दोस्तों मिशन रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसके अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सबसे पहले आप 10वीं 12वीं का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 10वीं 12वीं पास होने चाहिए, और तमाम जी हां दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर वहां पे लिंक पे क्लिक कीजिए और आप अपना नाम पता एड्रेस लिख के और